दलित, ये जो दलित शब्द है, आज हम इसका कत्ल करेंगे, हत्या करेंगे। दरअसल हमारे जो भारत में लोग हैं जिनको दलित के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने इस दलित शब्द को अपने सर पे ताज की तरह सजा लिया और लेके घूम रहे हैं। दलित प्रेरणा स्थल, दलित दस्तक, दलित न्यूज, दलित वॉइस, दलितों का घर, दलितों का उत्पीड़न, दलित पैंथर, दलित टाइगर, दलित सेना, जितना भी दलित के नाम से आप देखेंगे, जितने भी विद्वान हैं, सब दलित का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर। बाबा साहब अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास बुला करते थे, डिप्रेस्ड यानी कि दबी हुई, जो दब जाती है, दबाई जाती है, वो क्लास। हमारे जो विद्वान हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये कीचड़ से कीचड़ को साफ कर रहे हैं। कैसे कीचड़ से कीचड़ को? जिन लोगों ने इनको जो शब्द दे दिए, ये बिना उसको जांचे परखे इस्तेमाल करते रहते हैं और वो शब्द इनको गाली के रूप में दिए जाते हैं। जो दलित ग्लोरी से गाली कैसे बन गया, मैंने बहुत सारे शब्दों के सार बताए हैं कि जितने भी जो बहुजन समाज के ग्लोरीफाइड, चमकते हुए सूरज की तरह चमकते हुए शब्द हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, वो सारे के सारे ही गाली में तब्दील कर दिए गए हैं। दलित जो शब्द है, इसकी बहुत पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने इसकी खोज की थी, मगर मैं व्यस्त इतना रहता हूँ कि इसका वीडियो नहीं बना पाया। मगर पिछले 1-2 दिन में अचानक दलित का तूफान सा आ गया, जब किसी राजनीतिक पार्टी के किसी आदमी ने कहा दलित दिवाली, तो इसमें कुछ लोगों ने बुरा माना, कुछ लोगों ने सपोर्ट में आए। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे दलित प्रेरणा स्थल है, दलित वॉइस है, दलित दस्तक है, दलित की आवाज़ है, दलित एंटरप्रेन्योरशिप है, दलित बिजनेसमैन है, दलित लेखक हैं, दलित साहित्य संघ है, जब सारे ही नाम लोग दलित के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दलित दिवाली में कौन सी आफत आ गई? लोग कहते हैं बहुजन दिवाली होनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं है भाई। आप दलित इस्तेमाल कर रहे हो, धड़ल्ले से कर रहे हो, और किसी और ने कर दिया तो इसमें बुरा क्या मानना? दरअसल अज्ञानी वो भी है जो दलित दिवाली बोलता है, और अज्ञानी आप भी हो, क्योंकि आपने दलित की शब्द की कहीं चीरफाड़ या पोस्टमार्टम या खोज नहीं की, किसी ने आपको थमाया और आप लेके चले आए और इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16वां वॉल्यूम दिया है, उस 16वें वॉल्यूम के पेज नंबर 97 में, जो इंग्लिश का वॉल्यूम है, 97 पेज नंबर पे आप जाएंगे तो पाली भाषा की डिक्शनरी है वो सारी की सारी। और कोई विद्वान, जो दुनिया का पहले नंबर का विद्वान कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर, वो पाली पढ़ने के लिए पाली का डिक्शनरी अपने वॉल्यूम में, अपने निकाय में, अपने सकाय में, अपने वॉल्यूम में क्यों देंगे? जाहिर सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि आपको पाली पढ़नी है। वो मराठी है, मराठी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सारा उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हिंदी में सारा काम उन्होंने किया है, हिंदी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पाली के लिए बोल रहे हैं, जिसे पूरा भारत भूल चुका है मगर इस्तेमाल करता है। तो उसके जो पेज नंबर 97 यानी 97 पे आप जाएंगे तो वहां एक शब्द मिलेगा आपको, दृढ़ो। दृढ़ो यानी दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है, वहां जो अर्थ मिलेगा आपको, हार्ड, फर्म, स्ट्रांग, एक्सेसिव, यानी कठोर, बिल्कुल दृढ़। तो दृढ़ है जो शब्द है, या जो दृढ़ शब्द है, क्योंकि मराठी के अंदर आधा ले ओढ़े चलता है, जैसे षोड़श में चलता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जब से ये संस्कारित हुई है भाषा, पाली भाषा का संस्कार हुआ है और इसको संस्कार करके संस्कृत के नाम से बोला जाता है, बहुत सारे शब्द निकाल दिए, बहुत सारे शब्द इसमें जोड़ दिए हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, पाली का वीडियो आप देखेंगे तो छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा, Team 22 पर। दरअसल अगर दलित शब्द है और दलित शब्द पाली में नहीं है, यानी पुरानी भाषा में बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय अगर ये शब्द नहीं है, तो आया कहाँ से है? क्योंकि पाली से ही सारे शब्द, जो नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल भाषा है, वहीं से तोड़ मोड़ के बनाए गए हैं।
मॉडिफाइड करके, संस्कारित करके बनाए गए हैं। तो दलित वहां है नहीं और यहां आ गया, मगर जो दड़ यानी जो दड़ो शब्द है वो वहां से गायब है, यहां अब नहीं बोला जाता। तो तीन शब्द मैं यहां आपको बताऊंगा, एक बताऊंगा आपको जो दड़िद के बारे में, एक दमित के बारे में और एक द्रविड़ के बारे में। ये तीनों शब्द जो हैं सारे के सारे, ये बड़े कमाल के शब्द हैं। और आप एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में ठान लीजिए कि बेशक आप दलित कहते हैं और दलित गाली के रूप में है, मगर दलित का शब्द अगर अर्थ वहाँ से लेते हैं पाली से तो बहुत ऊंचा है। दलित तो नहीं है, मगर दलित जो बना है जिस शब्द से वो बहुत ऊंचा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि दलित जो दलित शब्द है वो भी बहुत ऊंचा शब्द है पाली के हिसाब से, ग्लोरीफाइड शब्द है, इसलिए ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल जो दृढ़ शब्द है यानी जो दृढ़ो शब्द है, अगर उसमें आप इद लगा देंगे, इद क्या होता है, इद हमारे सेंस को बोलते हैं, यानी हमारे जो पास हैं छह सेंसेस हैं, नाक हमारा एक सेंस है, इद है हमारा, संस्कृत भाषा में इसको इद्दी बोलते हैं, इंद्री बोलते हैं, यानी जो हमारी इद्दी है, इद है या इंद्री है, वो नाक है, हमारी कान है, हमारी आँख है, हमारी काया यानी हमारी स्किन है, हमारी जीभ है और हमारा मन है। तो ये जो सारे के सारे जो इद हैं, इद्दी हैं, अब इस इद को आप दड़ में जोड़िए, दड़ इद यानी दृढ़ इद। अब इसका सेंस देखिए क्या बनता है, यानी दृढ़ माने जो कठोर है, जो फर्म है, जो स्थिर है, जो सेंस जो अच्छी तरह से एक्सेसिव है, वो अपनी इद्दियों के लिए हैं, अपने सेंसेस के लिए, यानी कि जो व्यक्ति अपने सेंसेस में अपनी इद्दियों को कंट्रोल करता है उसमें दृढ़ है। कैसे दृढ़ है, शराब नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, व्यवचार नहीं करना है तो मैं दृढ़ हूँ अपनी इद्दी से नहीं करना है, बुरा नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, मैं दृढ़ हूँ इस बात के लिए, ये मेरी इद्दी कहती है, उसको बोलते हैं दृढ़ इद। और इस दृढ़ इद को बाद में क्या कहते हैं, दलित। और दलित को बाद में क्या कह दिया, ये दरिद्र है, यानी कहाँ से शब्द चला और कहाँ आके इसको पटक दिया, दरिद्र बना दिया, यानी इतना रिच आदमी है अपनी इद्दियों के बारे में, इतना अच्छा उसके पास में संस्कार है, संखार बोलते हैं पाली के अंदर, इतना अच्छा उसके पास में एक्ट फॉर्मेशन है, इतने अच्छे गुण हैं, उसको कह दिया ये दरिद्र है। उसको जो दरिद्र का मतलब कहते हैं संस्कृत भाषा में कि इसके पास धन नहीं है, अरे धन नहीं है, उसको निधन बोलते हैं, निधन या निधई, निधन बाद में इसको निर्धन बोला गया है। दरिद्र जो मतलब है वो है बहुत ज़्यादा अपने इंद्रियों से दृढ़ है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है जिसमें बड़ा संयम है, जो अपनी किसी भी भ्रष्टाचार या किसी गलत बात को कभी स्वीकार नहीं करता, उसको करता भी नहीं है। दूसरा शब्द क्या आता है, दूसरा शब्द आता है अगर आप इसी में जोड़ेंगे दालेती। दालेती जो शब्द है वो बड़े कमाल का है, आपने दाल दलिया सुना होगा। दरअसल जो दाल और दालेती का मतलब है, जो बीज है हमारा अगर उसको हम दल दें यानी तोड़ दें, दालेती माने तोड़ना होता है, विखंडित करना होता है, तो उसको बोलते हैं कि ये हमने दालेती कर दिया। जब कहते हैं कि दलहन लेके आए नहीं आए, यानी कि तिलहन या दलहन, दलहन का मतलब होता है कि जो दाल का जो बीज है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ के, तीन हिस्सों में तोड़ के दड़ के दल के ले आए, तो दालेती का मतलब होता है दल से यानी कि तोड़ने से, विखंडन करने से। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए इद यानी इद्दी, इद्दी तो क्या हो गया, दल इद्दी तो क्या हो गया, दलिद हो गया, तो ये दलिद बन गया शब्द, इस दलिद से फिर दरिद्र बनता है, यानी ये शब्द घुमा फिरा के वहीं से आते हैं जहां से ये शब्द इस बात के लिए आते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को तोड़ने के लिए दृढ़ है, यानी कि वो अपनी बुराइयों को दृढ़ता से दालेती करता है, तोड़ता है, अच्छी तरह से उनको विखंडित करता है, तो उसको दलित बोलते हैं। यहाँ दलित का मतलब संस्कृत भाषा में दरिद कर दिया है, बिल्कुल ही बेकार कर दिया। एक शब्द आता है दमित, दमित का मतलब है संयमित करना, अपनी बुराइयों का दमन करना, ये दमित शब्द आता है। इस दमित शब्द से बाद में द्रविड़ शब्द बना है, यानी आधा रहता होता नहीं है, इसलिए जो तमिल शब्द है और जो दमिल शब्द है ये एक ही शब्द हैं। तमिल जितने भी लोग हैं वो दमिन वाले लोग हैं, पाली के अंदर उसी डिक्शनरी में आपको दमिल शब्द मिलेगा, दमिल से तमिल बना है, और वही लोग द्रविड़ हैं, यानी कि वो अपने जितने भी विकार हैं उनको तोड़ते हैं,
संयमित रहते हैं, वो कोई ऐसा पाप क्रियाकर्म नहीं करते हैं। तो तीन शब्द इसके अंदर आते हैं, एक आता है दमित, जिससे दमिलो यानी द्रविड़ो बना हुआ है, एक आता है इसके अंदर दलिद, जिससे कि हम अपने जितने भी इंद्रियां हैं उनका दमन करते हैं, और एक आता है इससे जो शब्द है दृढ़हित, यानी कि जो दृढ़ है अपने हित के लिए दृढ़ है। तो ये जो दृढ़ हित वाला शब्द है, दृढ़ हित वाले शब्द से दलित शब्द बना है। दृढ़ हित यानी कि जो अपने हित के लिए, अपने संसाधन के लिए, अपने भलाई के लिए दृढ़ है। तो दलित किसी भी हालत में बहुत ऊंचा शब्द है, चाहे ये अपने हित के लिए है, चाहे अपने इद्दियों के प्रति दृढ़ है, चाहे ये दमन करने वाला दमिलो है, द्रविड़ है, चाहे ये दलित है जो अपनी इद्दियों के प्रति पूरी तरह से दृढ़ है। तो यहाँ इन सारे शब्दों को बाद में कहा गया, जो दलहित या दृढ़हित या दमित करके दलित बनाया गया, और फिर एक शब्द जोड़ा गया पद दलित, यानी कि पैरों के नीचे दबा हुआ और बोल दिया गया। और आज तक भी सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि दबे हुए हैं। जिस व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम दबे हुए हैं, वो कितना भी ऊंचा उठ जाए, उसके नाम के साथ अगर दबा हुआ लिखा जाएगा तो दुनिया का हर आदमी जो अनजान है, जब वो पूछता है इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, फ्रांस में जाके, जर्मन में जाके, कि इनको दलित क्यों बोलते हैं, और आपने संस्कृत भाषा में उसका अर्थ लिखा हुआ है नहीं, लिखा हुआ है दबा हुआ, तो व्यक्ति कभी जिंदगी में उठ नहीं सकता। शेर सिंह अगर आप नाम देंगे तो शेर भी है उसमें और सिंह भी है, क्योंकि सिंह को संस्कृत भाषा में शेर कहते हैं, तो शेर भी है सिंह भी है, यानी डाउट ही नहीं है। आप संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो शेर है, पाली में बोलेंगे तो सिंह है या सिंह है। तो आदमी का मनोबल वैसे ही बढ़ जाता है, चूहे जैसा भी आदमी होगा तो वो घुर्राना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका नाम शेर सिंह है, बलवीर है, प्रताप है, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, जो पॉजिटिव नाम है, जब उन नामों के साथ बोला जाता है तो चूहों के अंदर भी दम आ जाता है। और एक 85% लोगों को अगर आप दलित बोलेंगे या उनको दमित बोलेंगे, दमित का मतलब भी संस्कृत भाषा में जिनका दमन किया गया है, यानी भाषा बदल दी गई है, अर्थ है पाली के अंदर जो अपनी बुराइयों का दमन करता है, और बदल दिया है जिसका दमन हो गया है उसको दमित बोलते हैं, उनको दमिलो बोलते हैं, उनको द्रविड़ो बोलते हैं। ये शब्दों को अगर सीखेंगे, शब्द का सार सीखेंगे, तो आपको स्पष्ट होगा कि जो दलित शब्द है वो बहुत ऊंचा शब्द है, इसके ऊपर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दलित की दिवाली है और आप ये जानते हैं कि दलित का मतलब दृढ़हित या दलित होता है, यानी जिसने अपनी बुराइयों का, इंद्रियों का दृढ़ता से संयम किया हो, उनको कंट्रोल में किया हो, या जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पापों से दूर रखता हो, तो ये बहुत ऊंचा है, उसकी दिवाली, उसकी होली या उसका जो भी कुछ है वो बहुत ऊंचा है। मगर अगर इसका अर्थ आपके मन में ये डाला हुआ है कि ये दबा हुआ है, तो वो शब्द स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने फेंक दिया। आप भी अपने सारे चीज़ों से इन शब्दों को निकाल दीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रखना है तो दृढ़ हो रखिए, दृढ़ रखिए, दृढ़ पक्कम रखिए। बहुत सारे शब्द हैं, दृढ़ पक्कम का मतलब है दृढ़ पराक्रम वाला, दृढ़हैती का मतलब है दृढ़हिक है, दृढ़हीकरण है इसका मतलब होता है दृढ़ होना। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द वहाँ से निकलते हैं, और ये सारे शब्द बहुत शानदार शब्द हैं। दलित को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और दलित की जगह आप दलित याद रखिए, दृढ़ हित वाला या दलित, यानी जिसने अपनी इद्दियों को दलित किया है, तो आपका कल्याण निश्चित ही होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। Shalom.
शरणं गच्छामि।